दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आलस्य क्या है, यह क्यों पैदा होता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? तो आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मुझमें बहुत आलसपन है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ, मुझे कुछ रास्ता दिखाए। तो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम में आलसपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, पूरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का प्रमाण है कि तुम वाकई में आलसी हो? वो व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। तो बौद्ध भिक्षु कहता है कि क्या प्रमाण है? मुनिवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन चाहकर भी मैं व्यायाम नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम इसी आलस से परेशान हो? व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, किंतु तुम जानते हो कि आलस्य होता क्या है? वो व्यक्ति कहता है कि मैं यह तो नहीं जानता कि आलस्य का अर्थ क्या है, किंतु ये जो भी है बहुत बुरा है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम सबसे पहले तो ये समझो कि जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई न कोई उपयोग है, वो बुरी हो या अच्छी हो। आलस्य एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वह कैसे मुनिवर? वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसा भोजन देते हैं जिसमें खुद के भीतर कोई जीवंतता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम उसे देते हैं यह उसी तरह का बर्ताव करता है। हमारे अंदर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरीके से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे तो तुम पाओगे कि जब वो बैठते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है, जब वे सोते हैं तो उनके शरीर के भीतर किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता है, और जब वो चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे, अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। तो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असलियत में यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं है बल्कि मुक्त करता है। तब वो व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने से, या सही तरह से लेटने से, या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि शुरुआत अभी से करो, जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में मन शरीर के कारण ही आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो पहले थे, अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस्य
हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे भीतर नहीं होता है, परंतु दूसरे लोगों से वो हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर, यह एकदम सत्य है, यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है, तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वो व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब वो बौद्ध भिक्षु कहता है कि यदि खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट नहीं होना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो, तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वो बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई वजह ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम कहीं थक जाते हो, तो अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम वहां देखते हो कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम अपने आलस्य को लेकर वहां रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। तो वो व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस्य का पूरा खेल समझ में आ गया है। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है या करने की कुछ बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।